तो सुबह से बिजी हूँ, मुझे पता ही नहीं है क्या रिस्पांस आ रहा है। तुम लोग छोड़ो तब रिस्पांस देखूंगी ना। पर कुछ कहना चाहोगी गाने के बारे में? द लोकेशन इज लुकिंग वेरी गुड। अरे मटका ही है अपना सब, कहीं बाहर नहीं गए थे। कुछ बताना चाहोगे? है ना, गोवा लग रहा है ना, लेकिन मटका ही है, सस्ता गोवा। आउटफिट भी काफी अच्छा लग रहा है। यू आर वेयरिंग इट, किस तरह के प्रमोशन चालू है? आप लोग देख ही रहे हो, यहां पे सबको बुलाया है, चालू है प्रमोशन। एंड आउटफिट्स मैंने अपने खुद डिज़ाइन किए हैं, सो आई एम वेयरिंग माई ओन आउटफिट्स। एंड फिर आप देख ही सकते हो कि कैसे कैसे हैं, क्या क्या है। कॉमेंट सेक्शन पढ़ते हो आप? डू यू रीड कॉमेंट? उसके बाद तो मैं सुसाइड ही कर लूँगी, चाहते हो मैं मर जाऊँ? नहीं, पहले मैंने कॉमेंट सेक्शन पढ़ा है, काफ़ी अच्छा। लोगों ने तारीफ की आपकी, एक लोग ने तो ऐसी तारीफ की उर्फी की एक्टिंग स्टार किड की एक्टिंग से ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने एक्टिंग करी कहाँ है म्यूजिक वीडियो में? बट मैंने आई हैव रेड दैट कॉमेंट, क्योंकि स्टार किड की कोई एक्टिंग होती नहीं है ना, तो कंपैरिजन ही इतना बेकार था। और व्हाट डू वांट टू से अबाउट द, किस तरह से आपको इस गाने के लिए अप्रोच किया गया? क्योंकि मैंने काफी बार आपसे पूछा है और फिर क्या आने वाला है, कभी आपने हमेशा सीक्रेट ही रखा था, इसके पीछे कुछ रीजन था? क्योंकि जब तक तो कोई चीज आ नहीं रही है उसको पहले बोलने का क्या फायदा, अब जब आ गई तो नाउ यू ऑल कैन सी। लिरिक्स की बात करें तो हाय हाय मजबूरी, क्या कुछ कहना चाहोगे लिरिक्स के बारे में? ये तो पहले से ही लिखे हुए हैं, मतलब बहुत आइकॉनिक सॉन्ग था एंड उस टाइम पे भी लिरिक्स यू नो लाइक सो कैची, इतने कैची लिरिक्स उस टाइम के, तो हमने बस थोड़ा बहुत ऐड ऑन किया है
थोड़ा ही कुछ किया है उसमें, ज़्यादा लिरिक्स में छेड़खानी नहीं है, शायद एक पैराग्राफ अलग है, दैट्स इट। आपको ये